Write the tens and ones place for the numbers in each row. Good morning students. इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, टेंस एंड वंस को लिखना है जो बॉक्सेस हमें दिए हुए हैं उसमें. ओके, सो हाउ टू राइट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो वी हैव टू राइट हियर 6. एंड 6 इज आवर टेंस. एंड वंस में क्या है, 1. सो वी हैव टू राइट हियर 1. पहले जो दिए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उसको काउंट करेंगे और काउंटिंग के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो हम इस बॉक्स में लिखेंगे. ऑल राइट, सो वी हैव टू राइट हियर 6 एंड 1. एंड हेयर टेंस में हम 6 लिखेंगे एंड वंस के प्लेस पे 1 लिखेंगे. 6, 1, 61. नेक्स्ट वन इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो वी हैव टू राइट हियर 7. देन 1, 2, 3, 4, 5. सो वी हैव टू राइट हियर 5. 7 क्या हो गया, टेंस एंड 5 वंस. सो यहाँ भी हम सेम ही लिखेंगे, वंस के प्लेस पे 5 एंड टेंस के प्लेस पर 7 लिखेंगे. ऑल राइट, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो वी हैव टू राइट हियर 8. 1, 2, 3, 4, 5. वी हैव टू राइट हियर 5 ऑन वंस प्लेस. एंड हियर हम टेंस के प्लेस पे 8 और वंस के प्लेस पे अगेन 5 लिखेंगे. अंडरस्टैंड? और ऐसे ही काउंट करेंगे और पूरे वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे. ठीक है, इन दिस वर्कशीट क्या करना है हमें, काउंट एंड राइट द नंबर्स इन टेंस एंड वंस प्लेस. इसमें भी हमें काउंट करना है और जो नंबर आएगा उसे लिखना है टेंस के प्लेस पर और वंस के प्लेस पर. सो काउंट इट, 1, 2, 3. 3 बॉल्स आर देयर, राइट? सो वी हैव टू राइट हियर ऑन टेंस प्लेस 3. 1, 2, 3, 4, 5. सो वी हैव टू राइट हियर 5. और टेंस के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3. एंड वंस के प्लेस पे 5, बिकॉज टेंस में यहाँ 3 आया है एंड वंस में 5 आया है. सो 3, 5, 35. ओ, वंस क्या हो गया 5 और टेंस हो गया 3. ऑल राइट, हियर वंस 1, तो वंस के प्लेस पे 1 लिखेंगे. एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो वी हैव टू राइट हियर 7 ऑन टेंस प्लेस. और यहाँ 7, 1, 71. ओके, और बाकी के जो नंबर्स दिए हुए हैं, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उसको काउंट करेंगे और जो नंबर हमें मिलेगा वो लिखेंगे बॉक्स में और वंस को वंस के प्लेस पर और टेंस को टेंस के प्लेस पर लिखेंगे. ऑल राइट एवरी वन, अंडरस्टैंड? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू, बाय.